हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। चौरासी लाख योनियों में कहते हैं इंसान की एक योनि है जो 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, मैंने सुना है। लेकिन देखो इंसान की किस्मत, जानवर को पता है उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, जानवर को अच्छे से पता है, वो प्रकृति का खाना खाता है। जो उसको खाना है उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना जानवर को अच्छे से पता है, लेकिन इंसान को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। वो विज्ञापन पे चलता है, टीवी पे अंडे की ऐड आ गई मंगाओ अंडे, टीवी पे शराब की ऐड आ गई शराब पियो। वो विज्ञापन पे चलता है, अच्छी चीज का विज्ञापन दिखा दिया उन्होंने, एक टीवी पे विज्ञापन आया कैसा, वो आपने देखा साबुन का ऐड आता है ना, ये साबुन लगाओ 7 दिन में गोरा रंग पाओ, ये हमारी माता शक्ति लाइन लगा के लगाती है उसको, ये वाली क्रीम लगाओ 10 दिन में रंग। अरे अगर ऐसी कोई क्रीम होती ऐसी कोई साबुन होती तो हमारा साउथ इंडिया इतना काला क्यों होता बताओ। हम लोग विज्ञापन पे चलते हैं, जानवर को भी अच्छे से पता है देखो। और मैंने पहले बताया था इंसान की हर बेहतरीन, कुछ भी आप सबसे बेहतरीन है आप में, उसकी तुलना जानवर से होगी। जो बहुत तेज दौड़ता है उसे क्या कहते हैं जी, जो तेज दौड़ता है घोड़े जैसे दौड़ता है देखो, है ना। जो बहुत मेहनत करता है उसे पंजाब में क्या कहते हैं, गधे जैसे काम करता है। जो बहुत बड़ा होता है मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, हाथी जैसा है। जो बहुत खूबसूरत होता है या खूबसूरत होती है उसे क्या बोलते हैं, अरे वो तो मोरनी जैसी है, मोर जैसा है, है ना। जो जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं उसे क्या कहते हैं, मृगनयनी यानी हिरण जैसी आंखें। जिसका दिल बहुत बड़ा होता है किसके जैसा दिल है, यानी हमारी हर बेहतरीन चीज की तुलना जानवर से की हुई है। तो इंसान बड़ा कहां से हुआ बताओ मुझे, कुछ भी देखो आप, सब चीज की तुलना जानवर से की गई है, बस एक चीज को छोड़कर, वो है प्रेम। इसका मतलब जब तक हमारे पास प्रेम है तब तक हम इंसान हैं, वरना हम जानवर से ही बदतर हैं। एक ही चीज, खाली एक प्रेम जो इंसान के पास अलग से दिया गया है, कि बहती है प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है प्रेम की गंगा बहने दो, मत करो दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, बस छत पे एक तिरंगा रहने दो। प्रेम, प्रेम धाम का एक ही तो मकसद है प्रेम। और प्रेम होगा कब, जब दूसरे को भी अपने जैसा समझोगे। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का बस एक ही, धर्म कहते किसे हैं, धर्म एक ही चीज है, अगर जो आप चाहते हो कि लोग हमारे साथ ना करें वो आप लोगों के साथ करना बंद कर दो। बड़े शॉर्टकट में आपको धर्म समझा रहा हूं, धर्म है क्या, जो आप चाहते हो कि दुनिया वाले हमारे साथ ना करें वो दुनिया वालों के साथ करना बंद कर दो, और जो आप चाहते हो कि बाहर वाले लोग हमारे साथ करें वो आप बाहर वालों से करना शुरू कर दो, इसी का नाम धर्म है। चलनी जिसे शांति है ना, वो आटा भी शांति है, चलनी ने सुई से पूछा, अरे बहन तू छोटी सी है और तुझमें छेद है, तुझमें छेद क्यों है। सुई बोली, अरे बहन तुझे मेरा एक छेद तो दिखाई दे लिया, तुझमें कितने छेद हैं वो तुझे दिखाई नहीं दिए। यही काम इंसान का है, इंसान बिल्कुल यही काम है, खुद में कितनी गलती है
नहीं नजर आती, दूसरे की गलती छोटी सी भी नजर आ जाएगी, छोटी सी गलती दूसरे की। फर्स्ट फ्लोर पर एक पति पत्नी किराए पर रहने के लिए आए, फर्स्ट फ्लोर पर किराए का मकान था, वैसे तो बॉडी भी किराए की है, वो ऊपर के पोर्शन में रह रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही वो सुबह नाश्ता बनाती, अपने पति को नाश्ता करवाती, तो सामने वाले घर की ओर देखकर पति को बोलती, देखो वो लोग कैसे हैं, उनको कपड़े नहीं धोने आते, कितने गंदे कपड़े धोते हैं। विंडो में देखती और क्या कहती, उनको कपड़े नहीं धोने आते, बहुत गंदे कपड़े धोते हैं वो। पति बोला, मुझे काम पे जाना है, छोड़ो इस बातों को, मुझे नाश्ता करवाओ और मैं चलूं। फिर एक दिन बाद फिर वैसे ही, अरे देखो कितने गंदे कपड़े धो रखे हैं उन लोगों ने। फिर दो दिन गुजरे, फिर वही बात। एक दिन संडे का दिन था, संडे के दिन जैसे ही पत्नी नाश्ता करवा रही थी पति को, तो देखा, अरे वाह, आज तो पड़ोसी ने बड़े अच्छे कपड़े धोए हैं, आज इनको क्या हो गया, ये तो कपड़े इतने गंदे धोते हैं, आज इतने कपड़े साफ कैसे। पति बोला, नहीं कपड़े कल भी ऐसे ही थे, दो दिन पहले ही ऐसे थे, आज मैंने सुबह जल्दी उठकर अपनी खिड़की का कांच साफ किया है, कपड़े गंदे नहीं थे, हमारा कांच गंदा था, कपड़े बिल्कुल साफ थे, हमारा ही कांच गंदा था। तो दूसरे की कोई भी गलती देखने से पहले खुद हम कैसे हैं, सोच बदलो। थोड़ी कुछ नहीं करना, खुश रहने के लिए, आनंद पाने के लिए थोड़ी सी सोच चेंज करनी है। महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख चली गई, सबको पता होगा, एक आंख की रोशनी चली गई। कुछ लोग, 10-20 लोग, जैसे आजकल भी यहाँ पर ट्रेंड है, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अफसोस करने के लिए उसके बाद जाते हैं। 10-20 लोग शाम को महाराजा रणजीत सिंह के घर पे पहुंच गए, अरे महाराज आपकी आंख चली गई, बहुत दुख हुआ। महाराज कहने लगे, आपको दुख हुआ होगा, मुझे तो कोई दुख नहीं हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज तो मुझ पर कृपा बरसी है। अरे महाराज आपकी आंख की रोशनी चली गई और आप पे कृपा बरसी है, अरे भाई बहुत बड़ी कृपा बरसी है, आज तो सतगुरुदेव की कृपा हो गई, आज तो गुरुदेव की कृपा हो गई, गुरु महाराज की कृपा हो गई। अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, आपकी एक आंख की रोशनी चली गई और आप कह रहे हो कृपा हो गई, अरे बहुत बड़ी कृपा हो गई। महाराज कहते थे, गुरु महाराज हमेशा कहते थे, अगर महाराज की गद्दी पे बैठेगा तो सबको एक ही नजर से देखना, देख आज मेरी एक आंख की रोशनी चली गई, अब सबको एक ही नजर से देखूंगा। खुश रहने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ सोच बदलनी है। ये नहीं देखना कि उसके पास क्या है, ये देखना है हमारे पास क्या है, भगवान ने हमें कितना दिया है। देखो आपको पता है ना, 95% लोग हिंदुस्तान में अपनी कमाई हुई दौलत यहीं पे छोड़ के जाते हैं, 95% लोग अपनी कमाई हुई दौलत का आनंद नहीं ले पाते, बस उनको पैसा इकट्ठा करने पे लगे हैं। क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, बुरे वक्त में काम आएगा, उन्हें पैसे पर यकीन है कि बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मेरा मानना है, मेरे ठाकुर जी पर विश्वास करो, कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा, विश्वास तो करके देखो। विश्वास कैसा करना है, जब बच्चे को उछालते हैं तो बच्चा मुस्कुराता है, क्यों क्यों मुस्कुराता है जी, उसे विश्वास है कि मुझे पापा पकड़ लेंगे, पिताजी पकड़ लेंगे। लेकिन आज भगवान पे तो दूर की बात, परिवार पे विश्वास नहीं है आदमी को, अपने सगे भाई पे विश्वास नहीं, हालत कैसी है। कल तक हमारा परिवार कितना बड़ा था, याद करो, कुछ लोग बड़े बैठे हैं, कल तक हमारा परिवार कितना बड़ा था, इकट्ठे रहते थे, आज इकट्ठे तो रहते हैं, सबका पता एक है, इकट्ठे हैं, सबका पता एक है,
लेकिन एक दूसरे का पता किसी को नहीं, सबका पता एक ही है लेकिन एक दूसरे का किसी को नहीं पता। बड़ा भाई आगे के गेट से अंदर आया तो छोटा पीछे के गेट से बाहर निकल लिया। हमारे परिवार का स्थान, पहले कहते थे हमारा परिवार और अब क्या कहते हैं बोलिए, मेरा परिवार। हमारे परिवार का स्थान आज मेरे परिवार ने ले लिया। एक ही कमरे में हमारी दुनिया बसी हुई है, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में नित्यनेम। ये पता नहीं कैसे टॉयलेट बाथरूम अटैच हो गए, मुझे नहीं पता, पता नहीं कब से ये टॉयलेट बाथरूम अटैच हो गए, और जब से ये अटैच हो गए तब से एक दूसरे की अटैचमेंट खत्म हो गई। ये अटैच हो गए और अटैचमेंट खत्म हो गई, बगल में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, भूल गए सब। माता पिता की ओर ध्यान नहीं। मरने के बाद कौए को पिता बनाने से अच्छा है जीते जी उनकी ओर ध्यान दे लो। मरने के बाद कौए को पिता बनाएंगे ना, अरे भाई पंडित जी को खिलाओ आज श्राद्ध की रोटी, दादाजी के पास पहुंच जाएगी। पंडित जी को श्राद्ध की रोटी खिलवाओ, दादाजी के पास पहुंच जाएगी। मैंने कहा पंडित जी का 1000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करा दो, दादाजी का भी हो जाएगा। अगर आपका कोई मोबाइल रिचार्ज करे और बोले आपका रिचार्ज कर दिया, स्वर्ग में मिलेगा आपको जाकर, मान लोगे आप? मान लोगे? आने वाला समय यही आने वाला है, भाई इनका मोबाइल रिचार्ज करा दो दादाजी का हो जाएगा। आज जितना मोबाइल से लोगों को प्रेम है तो आने वाले समय में तो श्राद्ध के समय एक मोबाइल देना पड़ेगा दादाजी को। कैसी हालत है हमारी, क्या से क्या हो गए हम। जीते जी पिताजी को किसी ने चटनी नहीं बना के दी, पिताजी ने बोला बहू आज थोड़ी मिर्ची की चटनी बना देना, मन कर रहा है मिर्ची की चटनी। बहू बोली अरे मिर्ची की चटनी रहने दो, इसको बनाऊंगी पूरी रात खांसी करेगा, कौन सुबह साफ करेगा। कुछ दिन के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर क्या हुआ, श्राद्ध आया, अरे पंडित जी को मिर्ची की चटनी खिलाओ, पिताजी को बहुत पसंद थी। वाह मेरे भाई, जब जीता था उसने मिर्ची की चटनी मांगी तब नहीं दी। कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर जीते जी उनको नहीं मना पाए तो मरने के बाद क्या मनाओगे। सबसे पहले घर में प्रेम, माता पिता से और पति पत्नी का प्रेम। जिस घर में पति पत्नी का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, वहां भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, भगवान खुद दौड़े चले आएंगे। लेकिन हमारे हालत कैसे आपको पता ही है। पत्नी का काम है पहले रोना, पहले लड़ना, लड़के रोना, रोके सोना, पहले लड़ना, लड़के रोना, फिर रोके सोना, फिर सो के सुबह उठना, अटैची उठाना, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहना। अरे भाई घर में प्रेम पैदा करो। याद रखो जो पति अपनी पत्नी से डरते हैं, तो नहीं कहा है, जो पति अपनी पत्नी से डरते हैं वो हमेशा स्वर्ग में जाते हैं, तो नहीं कहने लगा मेरी स्वर्ग की टिकट पक्की। जो पति अपनी पत्नी से डरते हैं वो हमेशा स्वर्ग में जाते हैं, और जो नहीं डरते उनके लिए तो यही स्वर्ग है भाई, हैं? उनके लिए तो यही स्वर्ग है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर सत्संग में आकर भी नहीं मुस्कुराओगे तो और कहां मुस्कुराओगे। सत्संग में आके दोनों में से एक काम जरूर हो, या तो दिल से निकले आह, या फिर मुख से निकले वाह, दोनों में से एक काम होना चाहिए।
विवाह और व्याह दोनों में अंतर क्या है? विवाह और विवाह, विवाह और व्याह दोनों में अंतर क्या है बोलो? विवाह और व्याह दोनों में अंतर क्या है? अगर तो शादी की बात हो जाए वाह 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 तो समझ लो विवाह, अगर निकले आ आ आ तो समझो व्याह। अब देखो किसका विवाह हुआ है किसका व्याह हुआ है। पत्नी पति से बोली, पति पत्नी से बोला मैं तुझसे नहीं डरता बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल नहीं डरता। कौन बोला मैं बताऊंगा नहीं वरना आप समझ जाओ मैं टोनी की बात कर रहा हूं। पत्नी पत्नी से बोला मैं तुमसे नहीं डरता। पत्नी बोली नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरता। एक बात बताओ, अगर तुम नहीं डरते जब तुम मुझे देखने आए थे तब भी 5-6 लोग साथ में लेकर आए थे, जब लेने आए थे 200 लोग साथ में लेके आए थे और एक मैं देख सदा के लिए आई थी और अकेली शेरनी भागी आई हूं। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्योंकि जो मुस्कुराता है जो हंसता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जो हंसता है जो मुस्कुराता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। याद रखना इस बात को, जो हंसता है मुस्कुराता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाता, बल्कि जहां चला जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है। मुस्कुराना सीखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो कि किसी को पता ना चले। एक बाबा कहते हैं, एक मुनि कहते हैं, कहते हैं हंसते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो किसी को पता ना चले। क्या ना पता चले बताओ? आप भी बताओ कुछ। एक बाबा कहते हैं, मैंने एक बाबा के मुख से सुना था कि हंसते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो किसी को पता ना चले। क्या है ना पता चले? नहीं और हाँ जी नहीं नहीं किसी को पता ना चले। हंसते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो को किसी को पता ना चले। मैं बताऊं बताऊं? हंसते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो कि किसी को पता ना चले आप शादीशुदा हो। आज मौसम ऐसा, मेरा भी हंसने मुस्कुराने का ही काम है। कर ले कुछ भलाई के काम, इससे ना बड़ा कोई काम नजर आएगा। गौर से देखना इन दुनिया वालों को, किसी में राम और किसी में घनश्याम नजर आएगा। ओशो लिखते हैं, ओशो ने एक बुक में लिखा है कि जो आदमी हंसता है मुस्कुराता है तो वो भगवान की भक्ति करता है। ओशो ने किताब में लिखा, एक बुक में लिखा है, जो आदमी हंसता है मुस्कुराता है तो भगवान की भक्ति करता है। ध्यान से रखना इस बात को, जो आदमी हंसता है मुस्कुराता है वो भगवान की भक्ति करता है। लेकिन मेरा मानना है जो आदमी किसी को हंसाता है भगवान उसके लिए भक्ति करते हैं। जब भी कभी मौका मिले, कभी भी मौका मिले, सामने कोई परेशान दिखे उसे आप 2 पल की खुशी दे देना तो समझो आज की आपकी भक्ति हो गई। अगर किसी परेशान को सिर्फ 2 पल की खुशी आप दे सकते हो तो आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी भूखे को 2 पल की रोटी दे सकते हो तो भक्ति हो गई। अगर 2 पल की रोटी उसे कमाने लगा दो तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। कुछ ना कुछ भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, मेरी जुबान से किसी का दिल ना टूटे। कहते हैं जुबान पे चोट लग जाए, पूरे शरीर में से जुबान पे चोट लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक होती है। विज्ञान कहती है जुबान पे चोट लग जाए तो सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन जुबान से चोट लग जाए
तो जल्दी ठीक नहीं होने वाली। ये शब्दों के तीर ऐसे हैं, ये नहीं अगर किसी के दो बेटियां हैं तीसरी बेटी होगी उसको जाकर बोलो बहन बहुत बुरा हुआ एक बेटा हो जाता चलो, क्यों क्यों बोलते हो ऐसा? उसको जाकर बोलो अरे बहन मुबारक हो, गंगा जमुना पहले थी अब सरस्वती भी आ गई, त्रिवेणी की त्रिवेणी तुम्हारे घर में पूरी हो गई। हौसला दो किसी को। आइए आज की वाणी को विश्राम की ओर लेकर चलते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर दिव्या प्रसाद ग्रहण करेंगे। दिव्या प्रसाद आप सब लोगों को पता है आश्रम की तरफ से संस्थान की तरफ से बिल्कुल निशुल्क सेवा है। जो नए लोग आए हैं उनको बता दूं, कोई भी प्रसाद को पीछे की पॉकेट में नहीं डालेगा और कोई प्रसाद को लेदर के पर्स में नहीं डालेगा। प्रसाद अब लेते समय सुबह ग्रहण करते समय क्या मांगना है एक साथ बोलो सब लोग, प्रभु सबका भला करना। अब लेते समय भी सुबह और रात्रि को ग्रहण करते समय भी प्रभु सबका भला करना। और जब तक सबका भला मांगते रहोगे कभी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बड़े से बड़े रोग को दूर करेगा। कैसे शुगर बाईपास सर्जरी कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हुई, क्यों हुई क्यों हुई? क्योंकि इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है। जब तक स्वार्थ नहीं है तब तक जी हर बड़े से बड़े रोग से मुक्त करेगा। और जिस दिन किसी का स्वार्थ आ गया जब स्वार्थ आ गया तो जी कुछ भी नहीं। अब इसमें क्या है, संस्थान की निस्वार्थ सेवा और आप लोगों के भाव और ठाकुर जी की कृपा। बस मांगना है प्रभु सबका भला करना। किसी भी रूप में किसी की सेवा, संस्थान में प्रेमधाम में एक संस्था चल रही है नरसेवा नारायण सेवा, जिसमें 100 से अधिक परिवार आप सबके सहयोग से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और 100 से अधिक बच्चे जो पढ़ना चाहते थे शिक्षाहीन थे, क्यों? आर्थिक कमजोरी की वजह से। आप सबके सहयोग से आज वो बच्चे लगभग पिछले 1.5-2 साल से विश्व प्रेम मिशन परिवार की तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं। राधे राधे भक्तजनों, आज है हम श्री प्रेम धाम आश्रम, जहाँ की खास बात है दिव्य प्रसाद। दिव्य प्रसाद जिसने ना सिर्फ लोगों की डायलिसिस बल्कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ भी दूर की हैं। इस दिव्य प्रसाद की खास बात यह है कि ये श्री प्रेम धाम आश्रम में निःशुल्क मिलता है। इसकी शुद्धता पे खास ध्यान दिया जाता है। दिव्य प्रसाद के साथ साथ गुरु जी के प्रवचनों का भी लोगों पे बहुत ही असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से कि उनके जीवन में गुरु जी के प्रवचनों और दिव्य प्रसाद का क्या असर हुआ है। प्रसाद के सेवन के बाद हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। जैसे मेरे पिताजी वो मांस मछली खाया करते थे, पर जब से उन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया है प्रसाद को ग्रहण करना शुरू किया है उन्होंने बिल्कुल भी छोड़ दिया। अब हमारे घर में ना तो ये चीज़ें आती हैं ना बनती हैं ना कोई खाता है। जैसे कि मुझे थकान बहुत महसूस होती थी, शरीर में दर्द रहती थी, वो बहुत हद तक ठीक है। मुझे मेरा बच्चा मेरे से बोलता नहीं था लेकिन वो बच्चा आज मेरे से नज़र मिलाता है। मुझे इतना मुझे कुछ आया है फर्क, और भी मैं गुरु से मिली नहीं। मैं दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाता था, करीब में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर से दवा खाता था, लेकिन अब दवाइयाँ मेरी घट करके बस एक आधी रह गई है, बाकी अब कुछ नहीं बचा है। मुझे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और उसको मैंने लगातार लिया, वन मंथ के बाद वो ठीक हो गया। एक तो अपना माइंड पॉजिटिव रहता वा, नेगेटिविटी जमा नहीं आती, मेडिसिन की लोड़ नहीं पैंदी, एक दिव्य प्रसाद नाल आपां ठीक रहने। एक्चुअली मेरे मदर को डॉक्टर ने बोला था कि उनकी हार्ट सर्जरी होगी, लेकिन हम यहाँ पे आए, उन्होंने एक वीक खाया, उसके बाद वो खुद चलना शुरू हो गए। मुझे शुगर थी वो अब ठीक लगती है। काफ़ी कुछ सुधर गया है, जैसे काम काज भी अच्छा हो गया है और अपनी बॉडी में भी अच्छा हुआ है। तो मैं अपने दिमाग के लिए रखे जाता हूँ, उनके जीवन में बहुत फर्क पड़ा है उनको। उनको किडनी खराब थी उन्होंने, तो वो चल फिर नहीं सकते थे, हूँ अपने आप सब कुछ चलते फिरते हैं।
सबसे पहले तो मेरे पास एक मकान भी नहीं था और मेरे पास साइकिल भी नहीं था। आज मेरे पास दो दो गाड़ी है और इतना बड़ा मकान है कि मैं सोच भी नहीं सकता। दिव्या प्रसाद दे नाल जो मेरी हार्ट बीट की प्रॉब्लम सी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत बदलाव आ रहे हैं राजे, बहुत मैं ठीक हो रही हूँ। मेरी हालत ठीक नहीं रहती थी जी, अभी 3-4 दिन हुए हैं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगी। 3 साल हो गए कभी सोई नहीं थी, बहुत डॉक्टरी इलाज कराया, बहुत मैंने मतलब बाबे के पास लेके गए, चौकियाँ लेके गए, फिर ये हमें पता लगा। हम जहाँ पहले एतबार आए ना तो उसी रात को मेरे को ऐसे लगा कि मेरी थोड़ी नींद आ रही है, अब मैं सो जाती हूँ रात को, मेरे को कुछ नहीं होता। जैसे मैडम शरीर यानी कि मेरे यहाँ पे दर्द पेन रहता था हमेशा ही जी, किडनी में जैसे स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो अब ठीक हो गई है बिल्कुल। बहुत बदलाव आया जी, काम के लिए पहले काम नहीं चलता था, अब तो काम भी चल रहा है। बीमारी दुख क्लेश और झगड़ा रहता था घर पे जी, वो सब सही हो गए यहाँ पे आने से। बस मेरे जीवन में मानसिक रोग से तो मेरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया है, जो मुझे दो प्रॉब्लम थी वो मेरी ठीक हो गई है। कई दवाई छूट गई है, बीपी की दवाई छूट गई है, मेरे पेशाब की प्रॉब्लम थी वो छूट गई है जी, और भी कई प्रॉब्लम थी। रात को नींद कम आती थी, भूख कम लगती थी। मेरे पैर में बहुत जलन थी, शुगर ब्लड प्रेशर था जी। हाँ, तो पैर वाला जलन आज थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है। बहुत असर हुआ है, घर में परिवार सब ठीक खुशहाल है, शांति है, कारोबार भी चल रहा है, तो हमारी सेहत वो भी सब ठीक है अभी। हमें शुगर बहुत ज़्यादा रहती थी जी। वो अब पहले 350 थी जी। अब 120 रहती है, अब बीपी भी कम हो गया। मैं अपनी मिसेज के लिए लेकर जाता हूँ, उनकी किडनी खराब थी जी। पहले तो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे प्रसाद खा रही हैं उसके बाद यानी कि काफ़ी कम हो गई हैं, जैसे कि जितनी थी उससे काफ़ी कम हो गई है, इसलिए मेरे को बहुत फायदा हुआ है जी। तो मैं तो गुरुदेव का बहुत दास हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा मतलब मेरे घर में सब सुख शांति सब कुछ ठीक है। तो ये थे कुछ भक्तजन जिनसे बातचीत के दौरान पता चला है कि गुरुजी के प्रवचनों ने और दिव्य प्रसाद के कारण उनकी बीमारियां दूर हुई हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हुई है, उनके घर में पॉजिटिविटी आई है। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851810008।